बिग बॉस 13 एक ऐसा शो है जहां आने के बाद कई सितारों की किस्मत चमक जाती है। जी हां, किस्मत चमकने के साथ ही कई सितारों की किस्मत बदल भी जाती है। जी हां, वैसे तो घर में आने वाले लोग ज्यादातर सेलिब्रिटी ही होते हैं, लेकिन घर में आने के बाद इनकी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन बिग बॉस 13 सीजन में कुछ आम लोग, कुछ आम पर्सनालिटी जिन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते वो भी हैं। जी हाँ, इस बात का जीता जागता उदाहरण है असीम रियाज। जी हाँ, असीम रियाज को पहले कुछ कम लोग जानते थे, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो बिग बॉस के अंदर अपनी गेम और अपनी स्ट्रेटजी के साथ आगे खेल रहे हैं, वो दर्शकों और फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। उनकी फैन फॉलोइंग में इस कदर इजाफा हुआ है कि लोग आए दिन सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रेंड में भी रखते हैं। जी हाँ, तो चलिए आज अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है ऐसा कि असीम रियाज को बिग बॉस के बाहर जाते ही मिलने वाले हैं कई बड़े प्रोजेक्ट, या कहें कि किस बड़े शो का हिस्सा बनने वाले हैं असीम रियाज। जी हाँ, इससे पहले आपको बता दें, आए दिन सोशल मीडिया पर लोग इनके बारे में बातें करते रहते हैं, असीम रियाज की तारीफों के पुल बांधते हैं, लोगों को असीम काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि असीम रियाज बिग बॉस 13 के विनर हैं। जी हाँ, तभी तो असीम को घर से बाहर निकले बिना ही, जी हाँ, तभी तो असीम रियाज को घर से बिना निकले ही दूसरे बड़े शो में काम करने का मौका मिल गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, अब स्टारडम के बलबूते पर असीम रियाज खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में काम करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप हैं असीम रियाज के सबसे बड़े फैन तो ये खबर होने वाली है आपके लिए बेहद ही खास, क्योंकि बिग बॉस के बाद अब सीधा असीम रियाज दिखाई देंगे खतरों से खेलते हुए। जी हाँ, वेल, ये बात कितनी सच है इस पर तो अभी फिलहाल कुछ कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन उड़ती उड़ती खबर जरूर आई है कि असीम रियाज जल्द ही खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में दिख सकते हैं, जहां वो खतरों से लड़ते दिखाई देंगे। वेल, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले रोहित शेट्टी भी घर के अंदर आए थे, और वो घर के अंदर आकर सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज से अकेले में कुछ गुफ्तगू भी कर गए थे। वो बातें हमें टीवी पर दिखाई दी थी, लेकिन जो टीवी पर नहीं दिखाया गया, हो सकता है उस बीच ये बात हुई हो कि असीम रियाज को रोहित शेट्टी ने बिग बॉस सीजन 11 का प्रपोजल दिया हो। मतलब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो बिग बॉस खत्म होने पर ही पता चलेगा कि असीम रियाज हमें खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में दिखते हैं या नहीं। वेल, अगर बात की जाए असीम की फिजिक की, जी हाँ, तो असीम काफी ज्यादा फिट हैं, जिमिंग करते हैं, और उनके एब्स भी काफी ज्यादा उनके स्टारडम का हिस्सा रहते हैं। तो ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है कि आ असीम रियाज सच में रोहित शेट्टी के इस रियलिटी शो में नजर आने वाले हैं। वेल, कई रिपोर्ट्स में तो दावा किया जा रहा है कि शो के मेकर्स पहले असीम के भाई उमर रियाज को बिग बॉस सीजन 11 में लाना चाहते थे, लेकिन अब इस बात की भी खबर आई है कि असीम के भाई उमर रियाज को नहीं बल्कि असीम को ही बिग बॉस के बाद खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। वेल, देखते हैं, टाइम आने पर इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि ये खबर कितनी सच है या नहीं। वेल, अगर आप हैं असीम रियाज के फैंस तो फिलहाल आपका इस अपडेट पर क्या कहना है, क्या है आपकी राय, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट टू 9 लाइव डेस्क से इंदु की रिपोर्ट।